तो अब तक आप लोगों ने सिग्मा मेल के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे, फिर भी हमारे सबके मन में ये सवाल होता है कि कैसे सिग्मा मेल सोशल हायरार्की में ऊपर रहता है और क्यों। तो इसी वजह से आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि दे डोंट फॉलो दे लीड। अक्सर सिग्मा जिद्दी और डिटरमाइंड होते हैं। सबसे पहले वो कुछ सामाजिक मानदंडों के पीछे कोई लॉजिक नहीं देखते हैं। दूसरा सोशल कन्फर्मिटी, मतलब बिना सोचे समझे समाज के नियमों को मान लेने से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तीसरा, जब वो नॉन कन्फर्मिटी के साथ सोशल कोड को ना मानते हुए चलते हैं तो उन्हें हमेशा बेटर रिजल्ट मिलता है। और चौथा, उनके पास एक अनडिनाइबली इंस्पायरिंग स्पिरिट है जो लोगों को उनके साथ जोड़ने और उन्हें फॉलो करने के लिए इंस्पायर करता है। जैसे ही उनके आसपास के लोग उन्हें अपने नियमों के हिसाब से चल के कामयाब होते हुए देखते हैं तो वो भी सिग्मा से इंस्पायर होते हैं उनकी तरह ही एक सिंपल पीसफुल येट फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए। बहुत लोग उन्हें इसलिए एडमायर भी करते हैं कि कैसे वो हमेशा काम रह के अपने काम से काम रखते हैं और आसपास के ड्रामा को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। उनके आसपास के लोग इस बात को भी एडमायर करते हैं कि कैसे सिग्मा बाहरी दुनिया से अपने आप को इमोशनली डिटैच कर सकते हैं और उन्हीं चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो कि उनके लाइफ में मायने रखती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से बाकी लोग एक सिग्मा की जिंदगी जीना चाहते हैं। दूसरा, दे आर बॉर्न टू ब्रेक द टॉक्सिक साइकिल। सिग्मा डिटरमाइन होके सभी बाधाओं के खिलाफ अपने विचारधाराओं पर मजबूती से टिके रह सकते हैं और उस आइडियोलॉजी के साथ कोई भी काम कर सकते हैं। इन आइडियोलॉजी में से एक आइडियोलॉजी सिग्मा का ये है कि किसी भी एज ओल्ड टॉक्सिक साइकिल से अपने और अपने आसपास के एनवायरमेंट को मुक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी ऐसे वर्कप्लेस में काम कर रहे हैं जहाँ प्रोकास्टिनेशन करना नॉर्मल है तो वो उस मानदंड को तोड़ने वाला और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला पहला इंसान होगा। ऐसे लोग जो मोरली या आइडियली सही है उन चीजों को करने के लिए किसी से भी अनुमति नहीं लेते या किसी की भी परवाह नहीं करते। इसके अलावा वो कभी अपने सराउंडिंग और एनवायरमेंट को ब्लेम नहीं करते कि वो टॉक्सिक है, बल्कि वो अपने इमोशनल स्किल को यूज करते हैं अपने आसपास के टॉक्सिक एनवायरमेंट से डील करने के लिए। वो बाकी लोगों की तरह उस एनवायरमेंट की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ना ही वो ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बल्कि वो उसे बदलने की कोशिश करता है। इसी वजह से वो दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट गेन करते हैं और बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन के खड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, वो हमेशा आगे सोच पाते हैं। सिग्मा समय के साथ अपनी रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल और अपने प्रैक्टिकल एटीट्यूड को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके आसपास के अधिकांश लोग जैसे कलीग, पीयर्स और दोस्त उनके डिसीजन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वो समझने लगते हैं कि जब भी वो लोग सिग्मा के तरीकों पर भरोसा करेंगे तो उन्हें बेहतर परिणाम मिलेगा। और वो ये भी समझते हैं कि वो सिग्मा की रिलायबिलिटी और इंटेलेक्ट पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एक सिग्मा कभी अपने ह्यूमन इंस्टिंक्ट के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेता। वो समझते हैं कि ह्यूमन इमोशन से इन्फ्लुएंस होके इंसान सिर्फ गलत धारणाएं ही बनाते हैं। इसकी वजह वो अपने रैशनल माइंड का उपयोग करते हैं क्रिटिकली सोचने के लिए और उसी हिसाब से वो आगे के डिसीजन लेते हैं। चौथा पॉइंट है, वो लोगों के बातों पर केयर नहीं करते। एक सिग्मा कभी भी लोगों के बातों को, उनके विचारों और डिसीजन को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि एक सिग्मा को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने आप को अलाउ करते हैं बिना सोचे समझे किसी से भी इन्फ्लुएंस होने से तो वो अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड को गिरा देगा। जब भी सिग्मा कोई क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं, अगर उस क्रिटिसिज्म का उनके पर्सनल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है तो सिग्मा इजीली ऐसे बातों को अनदेखा करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सिग्मा ने अपने लाइफ में ये चीज देखा और विटनेस किया है कि सामाजिक नियमों से अलग होके वो हमेशा खुश और बेनिफिशियल रहा है और इसी वजह से सिग्मा अपने आदर्शों को बदलने में कोई मतलब नहीं देखता। हालांकि सिग्मा अपनी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एक्सटर्नल इंटरवेंशन की मांग की जाती है। सिग्मा हमेशा सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिलीव करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी इंसान किसी और के बारे में उतना नहीं जानता या सोचता है जितना वो अपने आप के बारे में जानता है। पांचवा पॉइंट है, वो हमेशा अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहता है। जबकि काफी लोग सोसाइटी को सिर्फ एक स्पेशल और डिफरेंट कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करता है, वही सिग्मा रिगार्डलेसली किसी के सामने भी, चाहे वो हजार लोगों के सामने हो या अकेले, हमेशा वही पोर्ट्रे करता है जो कि वो असल में है। और यही रीजन है कि वो अनडिनाइबली अट्रैक्टिव और एडमायरेबल होते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो अपने ही नजर में गिर जाएगा अगर उन्हें किसी और के तलवे चाटने पड़े या पीपल प्लीजर बनना
पड़े। सिग्मा जानता है कि लोग वास्तव में किसी और के बारे में उतना नहीं सोचता जितना हमें लगता है, और लोगों के हिसाब से अपने आप को बदलना एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। उनका ये मानना है कि जब भी कोई इंसान दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा कंसर्न रहते हैं तो वो अपनी ही जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं पाते। सिक्स पॉइंट है, दे डू नॉट ट्राई हार्ड टू बिकम द लीडर। क्योंकि सिग्मा अथॉरिटी को यूज किए बिना ही लीड कर सकता है, इसीलिए सिग्मा को अल्फा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चाहे जो भी कारण हो और भले ही सिग्मा एक नेचुरल लीडर हो, लेकिन इन्हें अगर मौका भी मिले फिर भी वो एक अल्फा बनने के लिए इच्छुक नहीं होते, क्योंकि वो एफर्टलेसली अपना पावर शो कर सकता है नॉन कोर्सिव लीडरशिप के थ्रू। वो हमेशा सोसाइटी को म्यूचुअल कम्युनिकेशन और अपने एग्जाम्पल के थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ना कि डोमिनेंस के थ्रू। और यही कारण है कि वो अपने ग्रुप मेंबर के थ्रू कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है, वो किसी से भी नहीं डरते। सिग्मा की इमोशनल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस की वजह से ना तो वो किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, ना ही वो किसी भी अथॉरिटी फिगर से डरते हैं। वो किसी और को अपने दिमाग को हैक नहीं करने देते, चाहे वो फियर के थ्रू हो या इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू। और अगर कोई किसी भी तरह का मैनिपुलेटिव टैक्टिक यूज करते हैं सिग्मा के साथ, तो वो एफर्टलेसली ऐसे लोगों से दूर जा सकते हैं या उन्हें हैंडल कर सकते हैं अपने इमोशनल मैच्योरिटी के थ्रू, और ये शो कर सकते हैं कि ही डोंट केयर। वो अपने बिहेवियर से किसी भी इंसान को ये इंडिकेट कर सकता है कि उन लोगों के लाइफ के ड्रामा का उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। सिग्मा की स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन की वजह से वो हमेशा अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं, भले ही वो कोई उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे। और आखिरी पॉइंट है, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट बीइंग राइट। जहां हर कोई अपॉर्चुनिटी देख के सही चीज करना या बोलना चाहते हैं, वही सिग्मा रिगार्डलेसली कोई भी सिचुएशन हो हमेशा जो सही है वही करना पसंद करते हैं। कई लोग सिर्फ तभी कुछ सही करना या दिखाना चाहते हैं जब कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो, लेकिन सिग्मा की हाई मॉरल स्टैंडर्ड की वजह से वो हमेशा वही करना चाहते हैं जो कि आइडियली सबके लिए सही हो, चाहे उसके लिए उन्हें किसी को डिसअपॉइंट ही क्यों ना करना पड़े। और मजे की बात तो यह है कि सिग्मा हर सिचुएशन में सही होना नहीं चाहते, लेकिन वो इस बात की परवाह किए बिना ही हर वक्त वही करता है जो कि सही है। इसी वजह से सोसाइटी किसी भी सिग्मा को अपना गुलाम नहीं बना पाता।